हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन वैट कॉन्ट्रैक्ट एंड वैरिएबल कॉन्ट्रैक्ट। वैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2J इनफोर्सेबल बाय लॉ। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से भी वह वैट व्यर्थ मानी जाती है, वह किसी भी लॉ के अंतर्गत उसे आप करेक्ट साबित करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 2I वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन दी टू पार्टीज ऑफ दी वन पार्टी एंड सेकेंड पार्टी, कोई भी पार्टी इनफोर्स कोर्ट के थ्रू उसे वैलिड भी कर सकती है और उसे इनवैलिड भी करने की पोजीशन कर सकती है। जैसे कोई भी एक मिस्टर अजय ने विक्रम से कोई कार्य किया और उस पर एग्रीमेंट हुई, लेकिन उनके ऊपर वह यदि दबाव बना के कार्य किया तो वह उस एग्रीमेंट होने से पहले उस कार्य को इनकार कर सकते हैं और ये कर सकते हैं कि मिस्टर अजय ने हमारे ऊपर दबाव बनाई है, हमारे ऊपर उत्पीड़न किया हुआ है, इसके अंतर्गत हमारे ऊपर वर्क की हुई, तो वह वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है। कोई एक पक्ष इसके संबंध में कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले इनकार कर सकती है, तब वह वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तब वह आपको वैडेबल साबित नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप देख सकते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स बाई बीकेम इन द लॉ। नेक्स्ट है वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन वन एंड मोर पार्टी, एक और दो दोनों पार्टियों के ऊपर ऑप्शन है, यदि आप मानना चाहे तो ठीक, नहीं मानना चाहे तो इनकार। इनफोर्सेबल बाई लॉ, वैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इनफोर्स, किसी कानूनी प्रक्रिया से आप उसे वैलिड नहीं करा सकते। वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एग्री पार्टी, जो पार्टी एक्सेप्टेंस है ऑफर, अगर दोनों एग्री है तो वो वैलिड होगा, अगर उसमें से कोई पार्टी इनकार कर सकती है तो वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ मानी जाएगी। बैकग्राउंड रीजन ऑफ द बेसिस, वैड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बाइंडिंग पार्टी कंसर्न विद द टाइम फॉर्मेशन, एक निश्चित समय में होती है। वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट नॉन फ्री कंसेंट, आप एकदम फ्री कंसेंट, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसप्रेजेंटेशन के अंतर्गत कार्य नहीं होना चाहिए, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। रोल ऑफ दी ऑप्शन ऑफ द पार्टी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ दी पार्टी ऑप्शन, व्हाट एवर दी लीगल फोर्स, लीगल पोजीशन हो जिसे इनवैलिड वर्क नहीं होना चाहिए। वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन, आइदर दी रिपुडेटेड, दोनों पार्टियों रिपुडेटेड विश्वास के रूप में आप कर सकते हैं। नेचर, वैट कॉन्ट्रैक्ट इज ए वैट इटसेल्फ, स्टार्टिंग से ही वो व्यर्थ मानी मानी जाती है। वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑप्शन, एग्री ऑफ दी पार्टियों के ऊपर डिपेंड करती है। लैप्स ऑफ दी टाइम, वैड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेड वैड बाय टेबल लैप्स ऑफ द टाइम, टाइम समाप्त होने पर वह कॉन्ट्रैक्ट समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही समाप्त मानी जाती है। वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैड या वर्थ है एग्री पार्टी विद इन रीजनेबल टाइम, अगर पार्टी विरोध नहीं करती है तो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मानी जाती है। आज आपने पूरी वीडियो वैड एंड वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पूरे डिफरेंस देखे, स्टार्टिंग टू एंड देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखिएगा। आप कॉमर्स के अहम ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बीकॉम ई लर्निंग बाई विशाल सर पे आप देख सकते हैं। ऑल ऑफ दी सिलेबस दी जा रही है, जो नेक्स्ट एग्जाम में आप चाहें तो इसकी नोट्स भी हम पूरा अवेलेबल कराते हैं, आप नोट्स बना के एक अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। थैंक यू।